सुजानपुर क्षेत्र नशा मुक्त होगा व यातायात के नियमों की अवहेलना करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी। ये बात सुजानपुर क्षेत्र के थाना प्रभारी श्यामलाल भाटिया ने कही। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस अभियान चलाए हुए है, यदि कोई नशा बेचता पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि दोपहिया वाहन मालिक तीव्र गति से मुख्य बाजार में वाहन चलाते पाए गए तो उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यातायात के नियमों के विरुद्ध या वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सुजानपुर क्षेत्र में शांति भंग करने वालों के प्रति पुलिस प्रशासन नरमी नहीं बरतेगा। यदि कोई व्यक्ति हड़कंप मचाता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा के अनुसार नशे के खिलाफ मुहिम को तेज करने के आदेश प्राप्त हुए हैं, जिसमें पुलिस ने लगातार नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तरीय होली मेले में शांतिपूर्ण निपटाने का श्रेय अधिकारियों को भी दिया गया है। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे उपायुक्त महोदय मनोज प्रजापति जी, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय रमन मीणा जी, माननीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बलबीर ठाकुर जी, मेरी जो सुपरवाइजर अधिकारी हैं डीएसपी रेणु, श्रीमती रेणु शर्मा जी, उनके उचित दिशा निर्देश मुझे मिलते रहे हैं। इनके अलावा जो स्थानीय उपमंडलाधिकारी नागरिक वीरेंद्र शर्मा जी हैं, उनके भी मुझे उचित दिशा निर्देश भी मिलते रहे हैं। और जब जब भी मुझे अपने इन उच्च अधिकारियों के सहयोग की आवश्यकता रही, जो जो मैंने सहयोग मांगा वो सहयोग मुझे मिला है। इस कारण हम अच्छे तरीके से कानून व्यवस्था कायम रखने में सफल हो सके हैं। इसके अलावा हमने ये भी किया, मेलों के दौरान हमने ये भी किया कि जो लोग नशा करके गाड़ियां चला रहे थे उनके भी हमने चालान किए, और जो आइडल पार्किंग कर रहे थे या किसी अन्य तरीके से यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उनके खिलाफ भी हमने सख्त कार्रवाई की है। और इसके अलावा हमने इस दौरान ये भी किया कि जिस भी व्यक्ति ने शांति भंग करने की कोशिश की उसके खिलाफ हमने कानून के दायरे में रहकर जो भी यथासंभव कार्रवाई बनती थी वो की है, और ये आगे भी जारी रहेगी। मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जब से मैंने यहाँ सुजानपुर थाना में ज्वाइन किया है, ये मैंने अपनी तरफ से ही नहीं, मुझे मेरे पुलिस अधीक्षक महोदय के भी ये आदेश हैं, इनके खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की है। और जब से मैंने ज्वाइन किया है बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन ही ऐसे रहे होंगे कि जिस दिन थाने की हवालात खाली रही होगी। अलबत्ता जिसने भी शांति भंग करी उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, इस तरह के आदेश प्राप्त नहीं हुए अभी तक। जो पुराना मोटर वाहन अधिनियम है उसके तहत ही हम कार्रवाई कर रहे हैं, और मेलों के दौरान भी हमने बहुत ज्यादा चालान किए हैं। मैं गिनती में तो नहीं बता सकता कि कितने किए हैं, परंतु हमने बहुत ज्यादा चालान किए हैं हमने, और बहुत सारा राजस्व भी हमने इकट्ठा किया है जो कि हम